धारण करके आए हैं मेरे भगवत श्रोताओं। महारानी पवन रेखा ने देखा, जवाब दिया, रे स्वामी हम तुम्हें घरे छोड़ आए, और अगर हमारे बड़े विधाता अरिंद शास्त्री जी अगर हमारी ये बात सुन रहे हैं, हमारे अगर बड़े विधाता जी, तो व्यास मंच की फर्श में आ जाएं। मेरे भगवत श्रोताओं, मैंने क्या देखा है महारानी पवन रेखा? महाराज अग्रसेन का रूप धारण करके जो राक्षस आया, जवाब दिया, महाराज ये तुम बताओ, हम तुम्हें महलों में छोड़ाए थे और तुम यहाँ कैसे? तो राक्षस बोला, महारानी पवन रेखा से कहे, रानी तुम महलों में नहीं थी इसलिए हमारा मन महलों में नहीं लग रहा था, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। अच्छा पिया, पीछे पीछे चले आए तुम, हम बहुत डर रही थी, तुम चले आए, बहुत अच्छे काम करो, मुझे बहुत डर लग रहा है इस जंगल में। और ये रानवीरों के नाम है 10-15, अमित कश्यप बड़ीपुरा से, और ये 11 मुद्रा परविंदर मौर्या बड़ीपुर से आए हुए हैं। प्रभु के चरण में अर्पण है, प्रभु से कामना है कि परिवार को मंगल में रखे। और ये 10 मुद्रा शिवाजी कश्यप की तरफ से, 20 मुद्रा सरजू वर्मा जो कुआ डाला से आए हुए हैं, और ये 10 मुद्रा प्रशांत पांडे की तरफ से, 20 मुद्रा लोकेश मुरिया की तरफ से, और 10 मुद्रा राम प्रसाद वर्मा की तरफ से। प्रभु के चरण में अर्पण है, प्रभु से कामना है कि परिवार को मंगल में, माँ सरस्वती सदबुद्धि को प्रदान करती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर में व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज बोले हैं कि हे राजन, जिस समय महारानी पवन रेखा उस राक्षस से बोली है कि महाराज उग्रसेन का रूप धारण किए हुए, कि महाराज हम तो तुम्हें महलों में छोड़ करके आई थी, तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, तो राक्षस बोला है कि रानी तुम महलों से चली आई हो, मुझे महलों में अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। तो राक्षस बोला है, और ये 20 मुद्रा